अस्सलाम वालेकुम। 9 जुलाई शाम के 5:30 बजे हैं। मेरी होटल में आए हैं न्यू जर्सी में। आज यहाँ एक कवाली का प्रोग्राम है। मैं और मेरी मिसेस दोनों ही आए हुए हैं मेरी होटल में। आज माशाल्लाह एक कवाली का प्रोग्राम है फैमिली का, और साथ में डिनर भी है। तो हम आपको अंदर होटल में लेके चलते हैं। अभी भी गाड़ी की पार्किंग की है, कार की पार्किंग। ये न्यू जर्सी में सेडल ब्रुक का एरिया है, वहाँ की होटल है मैरियट। उसमें ये प्रोग्राम कवाली का तरतीब दिया है फरद खान साहिबा ने, जो कि यहाँ न्यू जर्सी की और अमेरिका की बहुत मारूफ शख्सियत है। बहुत ज़्यादा प्रोग्राम कराती हैं हमारे पाकिस्तान कम्युनिटी के, और जिसमें सब लोग इंडिया के, बांग्लादेश के, अफगानिस्तान की सारी फैमिलियाँ यहाँ इसमें शिरकत करती हैं। और यहाँ अमेरिकन में भी जो लोग हैं, यहाँ आबाद घोरे वगैरह, सब इनकी तकरीब में आते हैं। बहुत ही सोशल खातून है, बहुत अच्छी खातून है फरद खान साहिबा। आपकी मुलाकात भी कराएंगे इंशाल्लाह अंदर जाते ही। सैयद रहमत साहब आइए, जाफर इस्माइल साहब, सिराज हसन साहब, मिसेस फरद खान आप तो नहीं है माशाल्लाह। अच्छा जी, और वाजिद हसन साहब आइए, मोहम्मद परवेज साहब, शेख वलीउद्दीन साहब, खास हम इनविटेशन दे रहे हैं अरीब कदीम साहब, मुनीम कदीम साहब, बहुत मेहनत किए हैं हमारे दोनों सीधे हाथ है, कोई दायां हाथ नहीं है, दोनों सीधे हाथ है। अमजद मोहम्मद साहब और सारे समय इनका बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं माइक दे रहा हूँ बर्डेट काउंटी हमारे कल्चरल सोसाइटी को और मिसेस गजाला चौहान और फरद आन की, यहाँ दोनों अपने ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। ऑफ बर्डेट काउंटी, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। और ये जो है अद्भुत अदब के साथ हमने मिलकर काम किया, जिसका हमें बहुत अच्छा लगा है, और बहुत इस तरह यूनिटी और इत्तेफाक पैदा होता है। हमें हमारी सोसाइटी में ये बहुत जरूरी है कि हम इत्तेफाक, मोहब्बत और प्यार से और
आपका खानदान माशाल्लाह मुद्दतों से सदियों से है इस कवाली के फन में, तो माशाल्लाह आपका कितना आपका यहाँ है और कितने प्रोग्राम है यहाँ पे अमेरिका में? जी माशाल्लाह मैं तकरीबन डेढ़ माह से यहाँ पे हूँ इस वक्त तकरीबन, तो मैंने तकरीबन मेरे यहाँ पे 12 शोज थे माशाल्लाह, तो मैंने उसमें से तकरीबन 7-8 हो चुके हैं और माशाल्लाह भी हैं, तो लोगों की पसंदीदगी की वजह से और भी शोज मिल रहे हैं, लेकिन आगे मुहर्रम शुरू हो रहा है उसकी वजह से हमें एंड ऑफ दिस जुलाई जाना पड़ेगा वापस। नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह यहाँ कौन कौन से स्टेट में आपने अभी प्रोग्राम किए? अभी पहले दो शोज हम लोगों ने मैंने किए थे न्यू जर्सी में, न्यूयॉर्क में एक शो था, उसके बाद एक टेक्सास में था, एक शो डैलस में किया है अपना, बहुत बड़ा एक उनका कन्वेंशन होता है डॉक्टर्स का अपना कन्वेंशन, वहाँ पे परफॉर्म किया है, उसके बाद ह्यूस्टन में किया, उसके बाद बोस्टन में किया, उसके बाद आज यहाँ पे कर रहा हूँ। माशाल्लाह पूरी महफिल को आप झूम उठती है आपकी कवाली से माशाल्लाह, तो ये अल्लाह ने बड़ा माशाल्लाह बहुत बड़ा आपने खूबी दी है। तो आपका जो उस्तादों के बारे में आपने कहा था कि आपने किन से उस्ताद? जी मेरे दादा उस्ताद सत्तू खान साहब हैं और मेरे वालिद साहब मंजूर हुसैन सत्तू खान साहब, और जो मेरे उस्ताद हैं उस्ताद फारूक फतेह खान साहब जो कि राहत फतेह खान साहब के वालिद हैं और उनको सारी दुनिया सारा जमाना जानता है, तो एक बहुत बड़ा नाम है कवाली हिंदुस्तान में, सबसे बड़ा नाम है, मैं उनका शागिर्द हूं जी फारूक फतेह खान साहब। माशाल्लाह दीगर स्टेट वाले भी चाहते हैं आपको, मगर मुहर्रम के बाद फिर आपको आना दोबारा? जी हम लोग मुहर्रम में हमारा प्लान है जी इंशाल्लाह, और जो भी हम कांटेक्ट करना चाहते हैं वो हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, फोन नंबर थोड़ा सा बता दीजिए। ई मीडिया के थ्रू भी जी, मैं ई मीडिया का भी शुक्रिया अदा करता हूँ, और मेरे जो प्रमोटर्स हैं अजीम साहब हैं जर्सी में, वो बेस्ड है न्यू जर्सी में, तो एडिसन में इंग्लैंड में वो होते हैं, तो उनसे अजीम साहब को जानते हैं, मशहूर प्रमोटर हैं यहाँ पे माशाल्लाह, अजीम साहब से रब्ता कर सकते हैं, जो भी सितंबर के लिए हमारे शोज बुक करना चाहते हैं आप उनसे रब्ता कर सकते हैं, अजीम साहब हैं और हमारे भाई हैं और उनके जो असिस्टेंट है खास वो पैट्रिक मेरल उस पैटी भाई, अच्छा पैटी भाई, हाँ जी पैटी भाई भी है, उनसे भी रब्ता किया जा सकता है, उनसे भी आप रब्ता कर सकते हैं, तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका, शुक्रिया बहुत शुक्रिया अली रजा साहब, थैंक यू। प्रोग्राम के ऑर्गेनाइजर हैं और माशाल्लाह बहुत समाजी शख्सियत है ख्वाजा खदीब साहब, मैं सब आज के कवाली के प्रोग्राम में चंद अल्फाज। जो तंजीम है जो मजबूत ग्रुप ऑफ नॉर्थ अमेरिका तो माशाल्लाह से आज 13 साल हो गए हैं इसको, तो बस हम हर साल या तो मुशायरा या कवाली या गजलों का प्रोग्राम जो भी चीजें हम करते हैं माशाल्लाह से आज उसी सिलसिले में 20 साल का प्रोग्राम है हमारा माशाल्लाह। बहुत मशहूर कवाल आपने बुलाया, कहाँ से ताल्लुक है इनका? और माशाल्लाह बहुत ज्यादा पाकिस्तान से सांकू साहब काफी मशहूर है, आजकल वैसे भी कवाल आपने देखा है एक के बाद वैसे ही, मतलब जो भी पिछले साल अमजद साहब अमजद को हमने पिछले सालों में लाया था, उसके बाद हमने ताजी साहब को लाया था, आज वो पूरी दुनिया में ना रहे, संतू साहब आजकल बहुत धूम मचा रहे हैं पाकिस्तान में, तो आज उनको महसूस होंगे उसकी आवाज माशाल्लाह। माशाल्लाह बहुत अच्छे अच्छे प्रोग्राम करते हैं और आप पब्लिक आपका नाम सुनते ही फौरन आ जाती है माशाल्लाह, और आज भी बहुत पब्लिक का जो कुछ नजर आ रहा है माशाल्लाह, तो इसके बाद कोई प्रोग्राम आपके जहन में? इसके बाद तब तक देखिए इंशाल्लाह नवंबर वगैरह में कुछ मुशायरे का प्रोग्राम है। अच्छा तो इंशाल्लाह आपको पता चल जाएगा। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम।
साहब आए हुए हैं लाहौर से माशाल्लाह पाकिस्तान से कव्वाली का प्रोग्राम है, तो आप लोग भी इस कव्वाली के प्रोग्राम को अटेंड कर रहे हैं, तो बताइए कैसा प्रोग्राम लग रहा है ये, आप बताइए। हमने बहुत एंजॉय करा, मेरा फर्स्ट टाइम कव्वाली थी अमेरिका में इस इवेंट अटेंड करने की, तो मुझे बहुत मजा आया, रियली एंजॉय। आपको कैसा लगा? आप भी बताइए कैसा लगा आपको? जी अल्हम्दुलिल्लाह, इट वाज अ वेरी गुड प्रोग्राम, और मैं होप करती हूँ कि नेक्स्ट ईयर भी इंशाल्लाह वी आर गोइंग टू डू द सेम, और बहुत एंजॉय किया, बहुत मजा रहा, एंड इट वाज अ वेरी गुड प्रोग्राम, वेरी वेल ऑर्गेनाइज्ड। हाँ फहमीदा बताओ कैसा लगा प्रोग्राम? बहुत अच्छा लगा, ऑर्गेनाइजर्स ने अरेंज करा है, अभी तक हमें बहुत मजा आ रहा है, बहुत सुनने में देखने में बहुत ही ज्यादा मजा आ रहा है, हम लोगों को बहुत 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 शुक्रिया। अहमद मौजम साहब मोहिमान उर्दू के रूए रवा हैं, मैं उनसे आज के बारे में, तकरीब के बारे में और अपनी मोहिमान उर्दू के बारे में ख्याल का इजहार करने को कहूँगा। वालेकुम, मेरा नाम आजम खान है, ये मेहमान उर्दू की तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया आपका मुझे इसमें शामिल करने के लिए। जैसे कि आप जानते हैं कि हम काफी अरसे से मुख्तलिफ मशायरों के प्रोग्राम का इंतजाम कर रहे हैं, और उसके अलावा कव्वाली के प्रोग्राम का भी इंतजाम होता है, तो आज जो इतफाक से कव्वाली का प्रोग्राम है, मेहमान उर्दू तकरीबन पिछले 13-14 साल से इस इलाके में खासी मुतहरक है, हम लोग मुख्तलिफ मशायरे और तकलीफ का इंतजाम करते रहते हैं, तो आज भी हमारा ये प्रोग्राम है, इंशाल्लाह बहुत अच्छा जाएगा, और आप सब लोगों का आने का बहुत बहुत शुक्रिया। तो हमारे जो कव्वाल जो है हजरात, उनसे ताल्लुक कहाँ से है इनका? जी उनका नाम अली रजा संतो कव्वाल है, ये इनका ताल्लुक पाकिस्तान से है, और ये पिछली 7 पुश्तों से इसी काम से मुंसलिक है, और ये खासतौर पर अली रजा साहब जो है ये मुसद फतेह अली खान के भाई फरख अली खान के शागिर्द हैं, और इनके वालिद मंजूर हुसैन साहब की मशहूर कव्वाल थे, तो इंशाल्लाह आप सब लोग इनकी कव्वाली सुन के बहुत खुश होंगे, और इस तकरीब में आई होप एवरीबॉडी एंजॉयज, थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत शुक्रिया मौजम खान साहब, थैंक यू।